A very good morning to everyone. I'm again here with Vanik team to discuss about today's exam review, means 19th October 3rd shift IBPS PO prelim exam review. So अब आप लोग को ये जानना है कि आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए हैं या फिर देने वाले हैं, और उसके बाद आपको ये जानना है कि एग्ज़ाम में कितना अटेंड करना है या कितना अटेंड कर चुके हैं, उसके बाद आप सेफ जोन में है या नहीं. तो चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह के आए हुए थे, और उसके बाद उस हिसाब से अटेम्प्ट आपके कैसे कैसे रहने पे आप सेफ जोन पर रह सकते हैं. तो पहले शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न था किस तरह से. तो आप लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न जैसे रेगुलर होता है, आपके टोटल 1 आवर का टाइम स्लॉट का जो ड्यूरेशन है वो डिवाइड किया गया था 20 मिनट के ड्यूरेशन में. मतलब इंग्लिश पेपर, रीजनिंग पेपर एंड मैथ पेपर, ईच सेक्शन आपके 20 मिनट्स के दिए गए थे. उसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स के ईच 35 क्वेश्चंस दिए गए थे एंड इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस गिवन थे. इंग्लिश के सेक्शन में आपके जो क्वेश्चंस आए हुए थे, एज पर आप सब लोगों को पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे फेवरेट टॉपिक इंग्लिश का जो है आपके पैसेज, और वो पैसेज जो थे वो आपके किस बेसिस पे थे, उसका जो थीम था वो ये था कि आपको एक एम्प्लॉय उसका कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बिहेवियर रहता है, और उस चीज़ को लेके कस्टमर के साथ वो किस तरह से डील करता है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट या उसका ग्रोथ किस हिसाब से वैरी करता है, इस चीज़ के ऊपर आपका पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके वो बेसिक था. तो वहाँ से लेके आपको 8 to 10 questions आए हुए थे. उसके बाद नेक्स्ट जो आपके questions आए थे वो आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को लेके आए थे. मतलब या तो एक वर्ड या एक फ्रेज आपको दिया गया था, उसको रिप्लेस करके ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पुट करने से वो सेंटेंस और इम्प्रूव हो सकता है, उसको लेके आपके 5 questions आए हुए थे. उसके बाद आपके जो questions आए थे वो थे आपके एरर डिटेक्शन के question. मतलब आपको एक सेंटेंस जो था वो एक सेंटेंस आपको फ्रेज में डिवाइड कर दिए गए थे. अब आपको बताना है कि उस फ्रेज में से कौन से फ्रेज में एरर है, और उसको लेके आपको 5 questions आए हुए थे. उसके बाद आपका था ए और बी कॉलम मैचिंग. मतलब ए सेक्शन में आपके 3 sentences दिए गए थे और बी सेक्शन में आपके 3 sentences दिए गए थे, और आपको वहाँ पे बताना है कि कौन से सेंटेंस के साथ बी कॉलम का कौन सा सेंटेंस परफेक्टली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन के हिसाब से मूव करने थे. नेक्स्ट आपको जो दिए गए थे वो थे आपके फिलर्स. फिलर्स मतलब क्वेश्चन सिर्फ सिंगल फिलर्स पे आए हुए थे, एक सिंगल वर्ड आपको पुट करना था और उसके हिसाब से उस सेंटेंस को कंप्लीट करना था. तो ये थे आपके पूरे 30 questions जो इंग्लिश सेक्शन से आए हुए थे, और ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, जिसके बेसिस पे आपका गुड अटेम्प्ट जो है वो आउट ऑफ 30 से 20 से 25 आराम से हो सकता है. तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि रीजनिंग सेक्शन में. अब ये तो काफ़ी बच्चों का फेवरेट सेक्शन होता है. तो इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आए हुए थे कि आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से लेके 20 questions आए हुए थे, जहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल भी थे. सिटिंग अरेंजमेंट एक टेबुलर फॉर्म के भी आए हुए थे, जहाँ पे 8 persons थे, सम फेसिंग सेंटर एंड सम फेसिंग आउटवर्ड वाले भी थे. नेक्स्ट आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग से पूरे 5 mark के क्वेश्चन आपको आए हुए थे, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड के फॉर्मेट है, कोई न्यू पैटर्न उसमें इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, उसको लेके आपको 5 marks के क्वेश्चन आए हुए थे. देन डायरेक्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको आए हुए थे, वो कोई कोडेड फॉर्मेट में नहीं थे. नेक्स्ट आपको सिलॉक्स के क्वेश्चन आए हुए थे. सिलॉक्स में से आपको 6 questions आए हुए थे, और जहाँ पे आपका न्यू कॉन्सेप्ट जो इसी साल में दौर में चल रहा है वो है आपके ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट, उसी को लेके आपको सिलॉक्स में भी 6 questions आए हुए थे. तो लास्ट में आपके जो आए हुए थे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, वो थे प्योरली ब्लड रिलेशन. 8 persons के ब्लड रिलेशन पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और वहाँ पे आपको 2 marks के क्वेश्चन आए हुए थे. तो ये कुल मिला आपके 35 marks के क्वेश्चन थे जो रीजनिंग सेक्शन में आए हुए थे. और वहाँ पे आप लोग का रीजनिंग का सेक्शन जो था वो भी कुछ इस तरह से था कि इजी टू मॉडरेट लेवल था. मतलब अगर एक स्टूडेंट अपने एवरेज लेवल पे प्रैक्टिस करके जाता है तो वो वहाँ पे आउट ऑफ 35 20 to 25 questions आराम से विद इन 20 minutes टाइम लिमिट में क्रॉस कर सकता है. तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मैथ्स के सेक्शन में. अभी ये तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम करता है. तो अब उसमें क्वेश्चंस किस तरह से आए हुए थे और अटेम्प्ट किस तरह से आपको लेना है या लेना चाहिए था वो हम देख लेते हैं. तो आपका सबसे फेवरेट सेक्शन यहाँ पे जो रहता है वो है आपका DI. तो DI पे आपके टोटल 10 questions आए हुए थे, जो कि आपके एवरेज पैटर्न के थे और थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव थे. उसके बाद आपके नंबर सीरीज कंप्लीशन पे क्वेश्चंस आए हुए थे. हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आए हुए थे बिल्कुल भी, सिर्फ नंबर सीरीज कंप्लीशन पे आपको 6 questions आए हुए थे. देन आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के इनइक्वालिटीज पे भी आपको 6 questions आए हुए थे. आपको सिंपली इनइक्वालिटी सॉल्व करने हैं, और वो भी एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, और वहाँ पे आपको अपना आंसर्स पुट करना है.
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो आईपीपीएस सबसे ज़्यादा फोकस करता है, वो है सिंगल सिंगल वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कुल मिला के 13 से 14 क्वेश्चन आए हुए थे, जहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट था, ट्रेंड प्रॉब्लम था, एवरेज पे था, एज प्रॉब्लम में भी था, और आपके बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वॉक, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे के सारे मिला के 13 से 14 क्वेश्चन आए हुए थे। और जबकि आप लोगों को पता है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का ये काफ़ी ही पुराना पैटर्न है कि जहाँ पे आपको बाकी सारे पीओ एग्जाम के अलावा वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अवेल होते हैं। तो अब मैथ सेक्शन में जो क्वेश्चन अगर बात की जाए, एज पर कि वहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में चला गया था। तो ओवरऑल एग्जाम जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जहाँ पे मैथ्स थोड़े से टफ लेवल में रह गए थे। तो अगर हम देखने जाएं तो आप लोगों का आउट ऑफ 100 में से इजी टू मॉडरेट लेवल, मॉडरेट टू हाई लेवल में एक स्टूडेंट जो आराम से अटेंड कर सकता है वो है आपका 69 से 75 क्वेश्चंस। तो 69 से 75 क्वेश्चन अगर आप अटेंड करके आए हैं तो आपके चांसेस जो है वो 90% से लेके उससे भी ज़्यादा है कि आप आराम से प्रीलिम क्वालिफाई करें। एंड नाउ इट्स योर टाइम कि आप मेंस एग्जाम के लिए आराम से प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम वानिक।